उमरिया जिले के बिरसीपुर पाली जनपद अंतर्गत ग्राम सुंदर दादर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय परिसर में शासकीय महाविद्यालय पाली द्वारा 15 मार्च से साप्ताहिक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शासकीय महाविद्यालय के कुल 45 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर के छठवें दिन आज मुख्य अतिथि के रूप में पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति मुकेश तिवारी, कुल सचिव आशीष तिवारी, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष उमरिया दिलीप पांडे, जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह सयाम, समाज सेवी रंजीत बंसाक और साथ में सुंदर दादर पहुंचकर सर्वप्रथम शनिधाम तिमनी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर महाविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे। और कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि ने छात्रों के बीच में अपने अपने विचार रखकर प्रशिक्षणार्थियों को स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करने की बात तथा नेतृत्व विकास विषय पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन किया। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर वाटर कूलर का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ग्राम में भ्रमण कर स्वच्छता, जल संरक्षण और कोविड-19 वैक्सीनेशन सुंदर दादर के प्रत्येक घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया तथा कोरोना से बचने के उपाय को ग्रामीणों के बीच में जन जागरूकता प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी दी। NSS शिविर के प्रभारी साहिद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणार्थियों ने नदी के घाटों की सफाई कर जल संरक्षण के महत्व को समझा और जाना। 7 दिवसीय प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए NSS शिविर के प्रभारी साहिद सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मार्च से प्रारंभ नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे महाविद्यालयीन छात्रों को सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न आयामों में मध्य प्रदेश से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सुंदर दादर सरपंच प्रताप सिंह, गंगाधर ढोके प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय पाली, प्रशासनिक अधिकारी CL चुनगुटिया और साथ ही में NSS प्रभारी साहिद सिद्दीकी, मुन्ना सिंह राठौर स्पोर्ट्स प्रभारी धर्म शर्मा, विभु मिश्रा, भूपेंद्र रावत, अनुभव श्रीवास्तव, नर्मदा मिश्रा और साथ ही में संजय सिंह, JPS चौहान, डॉक्टर मंसूर अली, गुलाब सिंह सहित महाविद्यालयीन स्टाफ मौजूद रहा। ग्राम सुंदर दादर में दिनांक 15 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सेवा योजना का एक नेतृत्व शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हमारे छात्रों ने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जैसे आज छठवें दिन समारोह का छठवां दिन हमारा, जिसमें शहडोल के शंभुनाथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री मुकेश तिवारी जी यहाँ उपस्थित हुए, उनके साथ ही उप कुलपति श्री आशीष तिवारी जी भी उपस्थित थे, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री दिलीप पांडे जी भी उपस्थित थे। इन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया एवं अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम आपको बता दें कि यह शिविर निरंतर चल रहा है, दिनांक 15 मार्च से और 21 तारीख तक चलेगा। आज छठवें दिन भी जो कार्यक्रम बच्चों द्वारा आयोजित किए गए, उसमें शासन द्वारा दी जा रही हितग्राही योजनाओं के विषय में ग्रामीणों को अवगत कराया गया। हमारे स्वयंसेवक घर घर जाकर बच्चों को अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी, महिलाओं और कन्या संरक्षण के विषय में जानकारी दी गई। जल बचाव वाला निरंतर पहले से ही अभियान चल रहा था, स्वयंसेवकों ने एक विशेष कार्य किया, घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग मशीन से घर और दुकानों में जाकर मैक्सिमम अधिकतम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उनको कोरोना का जो टीकाकरण चल रहा है 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को उनको जागरूक किया और इसकी महत्वता को बताया और लोगों को बताया कि क्यों ये आवश्यक है और एक लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा की। और कुछ बहुत सारे छात्रों ने ये भी किया कि ऐसे गाँव वाले जो बीमार हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज़ या हृदय रोग से ग्रसित हैं, यदि उनकी आयु 45 वर्ष से कम है तो भी वो इस टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। सर, देखिए, शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली के NSS इकाई के द्वारा जो विशेष शिविर ग्राम सुंदर दादर में लगाया गया था, उस शिविर के अंतिम दिन निराना हुआ। यहाँ वहाँ के गांव के लोग और छात्रों के बीच जो आत्मीय संबंध था वो निश्चित ही
भाव विभोर करने वाला था। छात्रों के द्वारा जो गांव में आकर उनके साथ काम करके, उनके बीच में रहकर उनके साथ सहभागिता करके जो समय बिताया 7 दिन का उन लोगों ने, वो निश्चित ही आने वाले समय में गांव वालों को भी स्मरण रहेगा। और जो स्वच्छता या पर्यावरण या अन्य जो शासकीय योजनाओं के बारे में छात्रों के द्वारा जो जानकारी गांव ग्रामवासियों को दी गई, वो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। क्या न्यूज़ के लिए बिरसिंहपुर पाली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।